guys, man. तो प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में। अब हम में थी शक्तियाँ। की बात चूत गई, गांठ फट गई। बाय द वे, ये चीज जरूर बताना तुम्हें स्टार्टिंग कैसी लगी। और आज किस वाली वीडियो में हम खेल रहे थे BGMI डुओ वर्सेस कोड, और गाइस हम उतरे थे कोर सर्कल में इस वाली जगह पे, और ये अपनी जगह फेवरेट बन चुकी है क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं और तुम्हें अच्छे खासे किल मिल जाते हैं, तो KD मेंटेन हो जाती है बढ़िया। अब उतरते ही गन मिली, दो बंदों ने रश करा। मैंने एक बंदे को तो मार दिया था, पर उसके पीछे वाले बंदे ने मुझे मार दिया और भाई पूरा ही फिनिश कर दिया। उसके बाद आया मैं छत पे, और यार अगर तुम इस वाले प्लेस पे आ जाते हो ना गाइस, तुम्हें बहुत सारे किल मिलते हैं सच में। ये जगह खतरनाक है, फ्री के किल मिलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फिलहाल तो बाकी जो भी बंदे उतर रहे थे मैं उनको बैक टू बैक मार रहा था, नीचे वालों को भी मार रहा था। एक और वेंचर मेरे सामने हो। क्योंकि यहाँ पे सीन जो है ना सेम टू सेम ऐसा ही है भाई, अगर तुम यहाँ पे उतर गए तो तुम्हें अच्छे खासे किल मिलते रहेंगे, तो करते रहो। पर यहाँ पे जो है एक दिक्कत है, तुम्हें ऊपर बार बार देखते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ऊपर से आके किसी बंदे ने तुम्हें मार दिया तो भाई तुम्हें बिल्कुल भी पता लगेगा, और बंदे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड करते ही हैं। अब जैसे कि इस बंदे को ही देख लो, पता नहीं भाई क्या सोच के उतरा था मेरे सामने, बट यहाँ पे मुझे उतरने में दिक्कत होने वाली है क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा हीलिंग वगैरह भी नहीं। अगर फुल हीलिंग होती तो मैं आराम से कूद जाता था, कुछ ना होता। तू कूदेगा ऊपर? पर सच में गाइस अभी तो थोड़ी दिक्कत होगी भाई यहाँ से उतरने में, क्योंकि यार बहुत ऊंची बिल्डिंग है यार ये। मैं तो कूदेगा ऊपर से, कैच करो तुझे। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इधर से उतर सकते हैं इस वाली जगह से। अभी उतरेंगे, अभी एक सामने बंदा है, इसे मार देते हैं। अरे वेंचर वो भी आएंगे ना फिर कॉलों के वैसे। तो चलो चलते हैं भाई नीचे, अब हमारा टीममेट भी तो है नीचे ही, और अगर नहीं उतरा तो मैं कैसे जाएंगे अपन, और किल कैसे करेंगे। मतलब भाई जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट सबको तो मार दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरी बहुत कम HP बची थी, और भाई मुझे पता था मैं नोक तो होऊंगा एक बार। इस टच हो गई और यार सेम चीज मेरे साथ हुई, मैं यहाँ पे नॉक हो गया। पर हाँ नीचे टीममेट था तो उसका मुझे सहारा था बहुत ज्यादा, उसने मुझे बचा लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे बोर्ड दादा आए, इनको भी मारा, और भाई पीछे से उसने लेजर मारी और मेरी हेल्थ कम हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ यहाँ पे। अब तुम्हें मतलब ये चीज लिख के रख लेना कि अगर ये लेजर मारता है तो हेल्थ भी कम होती है। उसके बाद आए गए हम मिल्टा में, और यहाँ पे हमें कुछ बंदे देखने के लिए मिले, तो इन्हें मारा। और भी हैं। अरे बहन मैं क्या बहन चुप, मैं जाऊंगा ले जाए। एक और है भाई अभी। अब यहाँ पे मेरा टीममेट सोच रहा था कि और बंदे बच रहे हैं, बट गाइस मैंने सबको मार दिया था, ऑलमोस्ट जितने ही बंदे थे सबको मार दिया। और यहाँ पे मैं इसे रिवाइव देता हूँ, पर जब मैं इसे रिवाइव दे रहा था गाइस, तभी एक बंदा हमारी ऊपर वाली छत पे आ जाता है, और भाई हम जोन के बाहर थे और हमारी गाड़ी भी उधर की तरफ खड़ी हुई थी, तो उस बंदे के पास एडवांटेज था कि जब हम गाड़ी में बैठे वो बंदा हमें आराम से मार सकता है। बट यार देखना क्या करा इस बंदे के साथ। अब देखो जैसे ही हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो गाड़ी में बैठा मैं, उसके बाद मेरा टीममेट बैठा, और भाई जो ऊपर वाला बंदा था उसको तो मेरे टीममेट ने आराम से मार दिया था, क्योंकि उसको मारना इतना ज्यादा टफ था ही नहीं।
देन गाइस उस वाले बंदे को मारने के बाद तुरंत हमें एक राइट में बंदा दिखा और मैंने रोक ली अपनी कार। बस यही रोक ले, यही रोक ले। आ गया, आ गया। और सच में यार ये बंदा बहुत ज्यादा बुद्धू था भाई, बिल्कुल ओपन में ही पड़ गया, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था। थोड़ा कवर ववर लिया करो यार, बिल्कुल ओपन में पड़ जाओगे तो भाई कोई भी बंदा आएगा पीछे से मार के चलता बनेगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक बारी वन एक्स बैट के बारे में। गाइस वन एक्स बैट आपको दे रहा है 26,000 रुपए का इंस्टेंट बोनस अगर तुम मेरे लिंक से जाके साइन अप करते हो। लिंक जो है तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। और गाइस 26,000 का इंस्टेंट बोनस अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो वन एक्स लेजेंड, तुम्हारे फर्स्ट डिपॉजिट पे तुम्हें मिलने वाला है। ई-स्पोर्ट मैचेस में प्रिडिक्ट करके तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो वन एक्स बैट से। और गाइस स्पोर्ट्स मैचेस में भी जैसे कि तुम्हें पता है इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, तो उसमें भी जाके अपनी प्रिडिक्शन करो और खूब सारे पैसे कमाओ। गाइस वैलोरेंट और बहुत सारे ई-स्पोर्ट मैचेस में तुम प्रिडिक्ट करके वन एक्स बैट पे पैसे कमा सकते हो कि आज कौन सी टीम जीतेगी। और यार ये वाला काम तो काफी ज्यादा आसान है ना। और गाइस देखो जैसे कि तुम्हें पता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज सीजन आने वाला है, तुम उसमें भी प्रिडिक्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो वन एक्स बैट का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन है, जाओ जाके रजिस्टर करो और फर्स्ट डिपॉजिट पे 26,000 रुपए का बोनस पाओ। अब बाकी देखो फिलहाल तो अभी हम मिल्टा के साइड से निकल रहे थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि भाई इधर बंदे हैं या नहीं, पर मेरे टीममेट को कुछ बंदे दिखे। और गाइस यहां पे जो ग्रेनेड गिरा उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब दो बनता ही है। वहां पे घर में भी पूरा है। बस तुम यार यहां पे ये वाला एपिक ग्रेनेड देखना, तुम कहोगे कि लेजेंड भाई ये क्या था यार। अबे सब खत्म, सारे खत्म, दो तीन तो थे, दो तो होंगे कम से कम। भाई साहब दो तीन बंदे एकदम मर गए, मेरा टीममेट क्या था, सारे मर गए क्या भाई, जितने भी बैठे हुए थे सभी मर गए, मतलब ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड नहीं थी पर हाँ दो बंदे थे, दोनों के दोनों खत्म। और यार उसके बाद हमारे ऊपर एक स्क्वाड का भी रश होता है, पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यहाँ पे हम मरेंगे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। अब वो मरेंगे कैसे भाई, हम एक स्क्वाड पे रश कर देते हैं उन्हें डुओ समझ के। पहले सामने वाली स्क्वाड को तो देखना कैसे मारेंगे, अभी ये जो आई है यहाँ पे, अबे लेफ्ट से भी आया एक बॉट है तो कवर दिया थोड़ा सा, बिल्डिंग है बंदा अंदर, ओए बंदे हैं यहाँ दो हैं, नेड कर रहा है। एक और है, अबे तीन चार पूरी स्क्वाड है ये देख के ना, इन वाले बंदों को तो तुम्हारा भाई आराम से धूल चटा देता है। और ये देखो भाई गॉडज़िला कैसे जा रहा है, घर में ओए बंदे हैं यहाँ पीछे से मारी एक ना, देखो यहाँ पे आराम से इन वाले बंदों को मारा, उसके बाद पीछे कुछ बंदे आते हैं और भाई वो वाले बंदे जो सरप्राइज मदरफकर करते हैं ना, मतलब गलत हो जाता है भाई एक तरीके से अपने साथ। ओहो हो लॉन्डो कहाँ कहाँ बैठे हो, आ गया ये कहीं है पास में कहीं, ठीक है देखो और एक आद यहाँ पे ये वाले बंदे को मैं सोच रहा था ये लेफ्ट में होगा, बट यार ये इस वाली ब्रोकन वॉल के पीछे टीपी प्लेयर था, वैसे उम्मीद थी बचने की और पीछे गया भी मैं, पर देखना उसके साथ साथ क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है पीछे से भी जो है यार कुछ बंदे फायर करने लगे, यहाँ पे बहुत सारे बंदे बचे हुए थे। तो बाकी यही था गाइस आज की इस वाली वीडियो में, होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना और बताना सबसे बेस्ट क्लच कौन सा था। मैं मिलता हूँ तुम्हारे किसी एक होने वीडियो में किसी एक होने गेम प्ले के साथ, तब तक बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।